अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मूवीज इनसाइड उर्दू। दोस्तों आज हम सात सीरीज के पार्ट टू के बारे में बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़का माइकल नजर आता है जिसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क चढ़ा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि माइकल जिक्सा का शिकार बन चुका है। फिर जिक्सा अपना पैगाम एक वीडियो टेप के जरिए भेजता है। फिर माइकल को पता चलता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। असल में माइकल पुलिस का मुखबर होता है। जिक्सा के मुताबिक माइकल की वजह से बहुत बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया गया जिससे इनकी जिंदगी तबाह हो गई थी। फिर जिक्सा बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है इस मास्क को खोलने के लिए, इससे पहले कि मास्क लॉक हो जाए और माइकल की मौत हो जाए। जिक्सा बताता है कि इसकी चाबी तुम्हारी एक आंख के नीचे फिक्स है, जिसे निकालो और जिन आंखों से वो लोगों पर नजर रखता था उन्हीं की कुर्बानी देकर आज इसकी जान बच सकी है। माइकल बहुत कोशिश करता है पर चाबी नहीं निकाल पाता और टाइम खत्म होने पर इसके चेहरे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमें पुलिस ऑफिसर एरिक को देखते हैं जिसकी किसी बात को लेकर अपने बेटे से बहस हो जाती है और एरिक अपने बेटे को डांट कर कहता है कि यहाँ से चले जाओ। कुछ देर के बाद जब उसे एरिक को अपनी गलती का एहसास होता है तो अपने बेटे के रूम में जाता है, मगर इसके बेटे डैनियल का कहीं कुछ पता नहीं होता। अगले सीन में एक लेडी पुलिस ऑफिसर एलिसन एरिक को माइकल के सीन पर ले जाती है और माइकल मरने से पहले दीवार पर एक नोट लिखा था एरिक के लिए। इसे पता चलता था कि माइकल किसी और का नहीं एरिक का ही मुखबिर था। हेलमेट पर बने हुए लोगों को देखकर एरिक ने जगह का पता चला लेता है जहां पर वो मास्क बनते थे और फिर एरिक वेट करके जिक्सा के असल ठिकाने पर पहुंच जाता है। वहां पर उन्हें एक कमजोर सा आदमी मिलता है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिक्सा को नहीं ढूंढा बल्कि जिक्सा ने अपने स्मार्टनेस के जरिए इन्हें यहाँ बुलाया है। फिर वहां लगे हुए मॉनिटर पर इन्हें पता चलता है कि जिक्सा ने इसके बेटे के अलावा और भी बहुत से लोगों को वहां कैद कर रखा है जहां पर जहरीली गैस छोड़ रखी है और इन लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही बाकी रह गए हैं। फिर जिक्सा एरिक से कहता है कि इस घर में सिर्फ वो ही लोग कैद हैं जिन्हें एरिक के झूठे सबूतों की मदद से पहुंचाया था, लेकिन अभी तक घर में कैद लोगों को ये नहीं पता कि डैनियल इस पुलिस ऑफिसर का बेटा है जिन्होंने इन्हें बेगुनाह कैद करवाया था। जिक्सा कहता है कि अगर इन्हें बनक भी पड़ गई तो वो लोग तुम्हारे बेटे को मार देंगे। और फिर जिक्सा एरिक को ऑफर करता है कि वो चाहे तो अपने बेटे को बचा सकता है, मगर ऐसा तब भी हो सकता है जब वो इसके रूल्स को फॉलो करेगा। जिक्सा बताता है कि मेरे रोज बहुत सादा होते हैं, सिर्फ उनको समझना होता है। और फिर एरिक जिक्सा की बात मान लेता है। तब उसे पता चलता है कि जिक्सा एरिक के बारे में बहुत पता है, जैसे कि आज से 5 साल पहले जब एरिक के खाने में होता था पर जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाता था और लोगों को के लिए झूठे केस बनवाता था ताकि लोगों को अपनी जिंदगी की अहमियत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है और सर्वाइवल की तो सिरे से आदत ही नहीं है। जब तक अपनी मौत को करीब से नहीं देख ले, इस पर एरिक अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा ही फील कर रहा होता है। और जिक्सा कहता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चल रहा है कि इंसान में बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत है और वो यही बात लोगों को भी समझाना चाहता है। और फिर कहता है कि मेरा निशान भी और ये निशान वो सिर्फ उन लोगों की बॉडी पर बनाता है जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारे कैदी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक दूसरे को नहीं जानते हुए अमेंडा को एक एम मिलता है जिससे इन्हें पता चलता है कि इनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही बचे हैं क्योंकि इसके बाद ये लोग जहरीली गैस के असर से मारे जाएंगे। इन्हें जिंदा रहने के लिए इस गैस के एंटीडोज को ढूंढना होता है और फिर जिक्सा इन्हें बताता है कि इसका सीक्रेट कोड सबके दिमाग के पीछे मौजूद है और वो बताता है वो मल्टी कलर में है। फिर ये भी बताता है कि इन सब का यहाँ होने का मतलब किसी एक चीज से लिंक्ड है और बताता है कि इसके बारे में इन्हें एक्स के मार्ग ढूंढना होगा तभी इन्हें इसका पता चलेगा। फिर टेप रिकॉर्डर के साथ इन्हें एक चाबी और एक नोट भी मिलता है जिसमें जिक्सा ने इन्हें खबरदार किया होता है कि चाबी के जरिए दरवाजा मत खोलना, लेकिन जेवियर इसके जरिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है मगर इससे दरवाजे के पीछे लगी हुई विसल लोड हो जाती है। जैसे ही दरवाजे के सुराख से गैस देखने की कोशिश करता है तो गोली इसकी आंखें पार हो जाती है और इससे इसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ जिक्सा ने जानबूझ के किया होता है, उसे पता था कि इसके मना करने के बावजूद ये लोग ऐसा ही करेंगे। और दूसरी बात इन सबको ये भी बताता है कि जो भी जिक्सा के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेगा मारा जाएगा। फिर दरवाजा खुद ही खुल जाता है, पूरे घर को चेक करने के बावजूद भी इन्हें वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर ये लोग एक बेसमेंट में जाते हैं जहाँ इन्हें एक और बॉक्स मिलता है और उस पर एक नाम वो भी लिखा होता है जो इनमें ही से एक कैदी का नाम होता है। तब लोगों को पता चलता है इन सबको फंसाने वाला आदमी वो भी ही है, लेकिन उसे भी ये पता नहीं होता कि वो यहाँ कैसे आया। फिर जिक्सा बताता है कि उसने जहरीली गैस के 2 तरियाक भट्टी में छुपा कर रखे हुए हैं, इनमें से एक ओबी के लिए है सबको यहाँ लाने के लिए और दूसरा इन कैदियों में से उसका है जो उसे हासिल कर लिया। और विकार्ड पैगाम में एक पहेली भी होती है, व्हेन यू आर इन हेल ओनली द डेविल कैन हेल्प यू आउट, जिस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और फिर जेवियर ओबी को मारने की धमकी देता है लेकिन ओबी उसे नहीं डर बट ढूंढने लगा है और कैंडिडोज हासिल
लगता है, तभी वो दूसरा एंटीडोज भी हासिल करने की कोशिश करता है, तभी बट्टी खुद ही बंद हो जाती है और इसमें आग बढ़ जाती है जिससे वो भी मारा जाता है। त्रयाग भी साथ ही जल जाता है और फिर इन्हें एक और रूम भी मिलता है। जैसे ही रूम का दरवाजा खोलते हैं वहां से इन्हें एक और टेप मिलता है जिससे पता चलता है कि ये रूम जेवियर के टेस्ट के लिए है और जेवियर बहुत बड़ा मंशियात फरोश होता है, बहुत से लोगों को उसने नशे की लत लगा चुका होता है। और फिर जेवियर को इंजेक्शन से भरे हुए गड़े से दरवाजे की चाबी ढूंढनी होती है जहाँ पर वो जो दूसरा एंटीडोज पड़ा होता है, मगर जेवियर खुद इस गड्ढे में जाने की बजाय अमांडा को इसमें धकेल देता है। बहुत कोशिश करने के बाद अमांडा को चाबी मिल जाती है लेकिन सब तब तक टाइम खत्म हो जाता है और दरवाजा फौरी पूरी तरह लॉक हो जाता है। फिर जेवियर पिछले रूम में जाता है जहाँ पर उसे भरे हुए कैदी के सर के पीछे से एक नंबर मिलता है। तब उसे जिप्सा की बताई हुई पहेली समझ आ जाती है कि वो जिप्सा ने सब लोगों के सर के पीछे लॉक के कोड को लिखा होता है। फिर कोड लेने के लिए वो एक और कैदी को मार देता है और फिर सबको ये भी पता चल जाता है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सबको लिंक कर रही है। और पता चलता है कि डेनियल के अलावा सब लोग जेल जा चुके हैं और इन सबको झूठे कोई और नहीं डेनियल का बाप एरिक ही। जब जेविल को इसका पता चलता है तो वो डेनियल को तलाश करना शुरू कर देता है। उस तरफ एडिसन को एक रूम मिलता है, ये जब वहां जाती है तो वहां एक एंटीडोज को शीशे के ऊपर से उठाने की कोशिश करती है। इसके हाथ शीशे के अंदर फंस जाते हैं और इसकी नसें कट जाती हैं और इसकी मौत हो जाती है। एडिसन के चीखने की आवाज पर उनका जेविल भी वहां आ जाता है और इसका कोड लेकर उसे वहां मरने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद जहर लड़की मारी जाती है। काफी लोगों से कोड लेने के बाद जेवियर डेनियल की तलाश में निकल जाता है और दूसरी तरफ एरिक अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर जिग्सा को खूब मारता है। उससे इस जगह का पता पूछता है जहां इसका बेटा कैद होता है। फिर जिग्सा से वहां ले जाने के लिए मान जाता है मगर फिर कहता है कि अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो अकेले ही जाना होगा। और दूसरी तरफ जेवियर डेनियल और अमांडा को ढूंढ लेता है और कहता है कि अपना कोड बताओ। फिर अमांडा कहती है कि जो कोड तुम्हारे सर के पीछे लिखा उसे कैसे पढ़ोगे। जेवियर चाकू से अपने सर के पीछे की खाल उतार लेता है और फिर डेनियल हमला के जेवियर को मार देता है। दूसरी तरफ एरिक जिग्सा की बताई हुई जगह पर पहुंचता है और पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है मगर वीडियो मॉनिटर पर कोई दिखाई नहीं देता, ना ही कोई कैदी। और फिर पुलिस टीम को पता चलता है कि ये वो घर नहीं, घर है ही नहीं और वो पहले से ही बनी हुई वीडियो टेप देख रहे होते हैं। और कैदियों के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ जिग्सा के पकड़े जाने से पहले हो चुका होता है। फिर एरिक अपने बेटे को ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचता है लेकिन वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर एक बाथटब में उसे कोई डेड बॉडी नजर आती है जिसे वो पास जाकर देखता है और फिर वो डेड बॉडी इस पर हमला करके से बेहोश कर देते हैं। जैसे ही एरिक को होश आता है सुनता है जिससे पता चलता है कि जिग्सा के अलावा इस खेल के पीछे कोई और भी है और वो कोई और नहीं बल्कि अमांडा ही। और ये सब वो एरिक से बदला लेने के लिए करती है क्योंकि अमांडा कोई नशा नहीं करती। एरिक उसे झूठे नशे के केस में जेल भिजवाता है जहां पर वो ड्रग की लत लग जाती है। असल में एरिक ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी थी लेकिन जिग्सा ने इससे नशे की आदत छुड़वा दी थी और एक नई जिंदगी दी थी, इसलिए अमांडा जिग्सा के साथ काम करने लग जाती है। असल में वो जानबूझकर इन कैदियों में शामिल होती है ताकि बदला लेने। फिर अमांडा एरिक को गेम ओवर कहकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।